तो दोस्तों, आज सुबह सुबह निकल गए मेरे पतिदेव के साथ। कहाँ जा रहे वो आप ब्लॉग में बने रहिए। तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे हम आ गए, ये नवी मुंबई की तलोजा की एक एरिया है। कितने का है भैया ये वाला? नहीं, कितने का है? किलो कितना? किलो कितना? 140 120। ताजा मच्छी नहीं है क्या ये? ताजा नहीं है, फ्रेश नहीं है। तो देखिए, हम रोहू मछली जो है खरीद रहे हैं, तो कितना फ्रेश है वो पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो आपको अगर सस्ते में अच्छे मछली चाहिए ना, तो आपको कहाँ आना है? तलोजा में आना है। तो ये देखिए, मेरे पतिदेव जो है मछली खरीदने लग गए हैं। तो आज हम रोहू मछली ले रहे हैं और काफी सारे और भी मछली ले लिया हमने। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आज की वीडियो जो है बहुत ही मजेदार होने वाले है। तो मछली हमने ले लिया है, अब यहाँ से हम निकलते हैं। तो पतिदेव को सुबह सुबह आज मैंने बहुत तंग किया आप सभी के लिए कि चलो आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो ये घर हम आ गए हैं, आप चलते हैं किचन में। तो ये देखिए, ये रोहू मछली जो है मैंने मार्केट से लेके आई हूँ, तो फ्रेश है। और अभी इसको हम पहले साफ कर लेंगे। तो साफ करने की जो प्रोसेस है वो मैं वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। अगर आपको मछली काटना कैसे है, साफ कैसे करना है, वो भी देखना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो में वो भी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर मछली जो है हमने काट के तैयार कर लिया है। तो ये जो फिश की सर है, ये सब चीजें नहीं लेंगे और कुछ फिश को हम बनाएंगे, तो इसमें से कुछ मैं माइनस कर रही हूँ। अभी इतना ऐसा ही मैं मछली बनाऊंगी। और यहाँ पर सबसे पहले हमको करना क्या है, रोहू मछली में ना थोड़ा सा नींबू की रस डाल के इसको 5 मिनट के जैसे रख देना है। इससे क्या होगा, मछली की जो एक स्मेल होती है ना, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से मछली को वॉश कर लेना है, उसके बाद ही नींबू की रस को इसमें निचोड़ के डाल देना है। फिर इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे, बस और कुछ नहीं डालना है। और अच्छे से हाथ से इस तरह से लपेट लपेट के इसको मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट करने के बाद आपको 10 मिनट के जैसे इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल पर न्यू विजिट किया है या तो पहले से भी देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी काम करने की मोटिवेशन मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मछली को अच्छे से मैरिनेशन कर लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर जो है छोटे छोटे साइज के अच्छे से चॉप कर लिया है, और यहाँ पर 1 तेजपत्ता, ड्राई चिली, साथ में 1 बड़े साइज की प्याज, हरा धनिया, कुछ करी पत्ता और 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक, लहसुन की कुछ कलियां हमने ले लिया है। अब कैसे बनाना है वो प्रोसेस को दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। ध्यान रखिए, जब भी मछली की रेसिपी आप बनाएंगे ना, रोहू मछली की, तो आपको सरसों के तेल जो है वही डालना है। उससे क्या होता है, हमारी जो मजेदार रेसिपी बनेगी ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो हमने क्या किया, तेल को गरम कर लिया है, 1 से 2 टेबलस्पून जो है तेल डाला है। उसके बाद करी पत्ता, लहसुन की कलियां, अदरक, ये सब डाल दिया है। उसके बाद हमने जो दिखाया आपको प्याज, प्याज को भी रफली चॉप करके भी आप डाल सकते हैं, इस तरह से हमने डाल दिया है। और बस थोड़ा सा जैसे इसको भून लेना है, ज़्यादा टाइम ये प्रोसेस को नहीं करना है, बस इसके कच्चापन चले जाए तब तक ही करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर डाल के इसको भी थोड़ा सा हम चला लेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस से अगर मछली को आप बनाते हैं ना, तो मछली जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और थोड़ा सा हरा धनिया अभी हम डाल देंगे, क्योंकि हरा धनिया को भी हम इस तरह से करेंगे तो इसकी जो एक खुशबू होती है ना, वो अच्छी अपने रेसिपी में अच्छा एक खुशबू ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए, सारी चीज़ को 2 से 3 मिनट का ही बस प्रोसेस है मैंने कर लिया है।
और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और इसको इसमें हम डाल देंगे और इसकी एक थिक पेस्ट जो है हम बना लेंगे। तो ये देखिए मसाले हमारा रेडी है, कुछ इस तरह से हमने पीस लिया है मसाले को, तो मसाले पूरा रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अभी मछली को हमें फ्राई करना है, मैरिनेशन होके 5 से 7 मिनट अच्छे से हो चुका है। कढ़ाई को यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे पहले अच्छे से गर्म करने के बाद तेल डालना है। तो मैं पूरा रेसिपी जो है यहाँ पर मैं सरसों के तेल से ही बना रही हूँ, क्योंकि रोहू मछली मैंने पहले ही बताया, कतला रोहू ये सब मछली की जो रेसिपी होती है ना, ये अगर आप सरसों के तेल से बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप ऐसे रिफाइंड तेल से भी बना सकते हैं। तो अभी एक एक करके मछली को डाल देना है। फ्लेम को रखा है मीडियम टू हाई पर और देखिए यहाँ पर मछली जो है हमारा ये फ्राई हो रहा है। अगर आप फिश खाना पसंद करते हैं तो आपको कौन सी फिश ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, ताकि उस फिश की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर शेयर कर पाऊँ आप सभी के साथ। तो यहाँ पर फिश करी बनाने के लिए फिश को जो है अलट के पलट के अच्छे से फ्राई कर लेनी है और फ्राई थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करनी है। तो ये देखिए अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। देखिए फिश में कलर आना शुरू हो गया है। अब अच्छे से फ्राई होने के बाद एक प्लेट में हमें इसको निकाल लेना है। सेम प्रोसेस में बाकी की फिश को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए और गर्मा गर्म ऐसे फिश फ्राई भी मिल जाए ना तो भी मुंह में पानी आ जाता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद होती है फिश फ्राई, गर्मा गर्म मिल जाए तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। तो बचे हुए तेल में ही हमें बाकी की प्रोसेस हम कर लेंगे। तो ये देखिए ये 5 फोड़ोंग है, तो 5 फोड़ोंग में क्या क्या रहता है अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कमेंट पर ही बता दूंगी। तो मैंने 5 फोड़ोंग थोड़ा सा तड़के में डाल दिया है, 1 तेज पत्ता डाला है, 1 ड्राई चिली डाला है और फिश करी में अच्छा कलर आने के लिए शुरू में ही हम तेल में क्या करेंगे, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर जो है इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है, कोई भी फिश करी कुछ भी करी आप बनाएंगे ना तो वो अगर ग्रेवी ज़्यादा है तो उसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और अभी जो हमने मसाले को बना के रखी थी उसको भी इसमें अभी डाल देंगे। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम पर और ये मसाले को लगातार हम भूनते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे धीरे धीरे ये प्रोसेस को करेंगे ना तो हमारी जो करी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए ये प्रोसेस को करने में 3 से 4, 4 से 5 मिनट भी लग जाता है कई बार ना। तो ये देखिए कलर भी धीरे धीरे आपको चेंज होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्वाद के अनुसार नमक और चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये जो रेड चिली पाउडर मैंने शुरू में ही डाला था और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, इससे क्या होता है और थोड़ा सा अच्छा कलर आएगा, लगेगा कि शादी ब्याह में जैसे हमारी रेसिपी बनती है ना तो वैसे थोड़ा सा दिखेगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर ज़्यादा कलर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मसाले को लगातार हमने भून लिया अच्छे से और आप देख सकते हैं इसमें कलर जो है पहले से थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो इसमें आपको बस देखना है कि मसाले हमारे कढ़ाई छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आसानी से मसाले जो है कढ़ाई छोड़ रहे हैं तभी आपको क्या करना है, इसमें पानी डालना है। यहाँ तक आपको पेशेंस रख के ही थोड़ा सा बनाना है, इससे क्या होगा आपकी करी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ज़्यादा घाई आपको नहीं करना है। इसके बाद जैसे आप ग्रेवी पसंद करते उतना ही पानी डालिए। मैंने 1.5 से 2 कप तक हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी डालने के बाद जैसे इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें मछली ऐड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे उबाल आ चुका है ग्रेवी में। अब क्या करेंगे, मछली को हमने जो फ्राई करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। जैसे मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ बता रही हूँ वैसे ही आप बना के एक बार देखिए।
नए तरीके से थोड़ा सा मैंने बनाया। ऑलमोस्ट फिश करी जो है सब एक ही जैसे होता है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने इसमें किया है। आप इस प्रोसेस में बनाएंगे तो आपकी जो फिश करी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप अगर फिश लवर है, फिश खाना पसंद करते हैं, तो एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में मैंने थोड़ा सा बस धनिया पत्ता डाल रही हूँ। पहले ही हमने जब भी पेस्ट बनाई थी, इसके मसाले को तैयार किया था, तभी भी मैंने हरा धनिया को ऐड किया था, इसलिए ज़्यादा हरा धनिया इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए, अब इसको क्या करना है, धीमी आंच पर रख के थोड़े देर के लिए पका लेने हैं। वैसे फिश को हमने पहले ही फ्राई कर लिया है तो ऑलरेडी ये पक चुके हैं, बट मसाले के साथ इसको थोड़ा सा और टेस्ट लाने के लिए 3 से 4 मिनट तक आप धीमी आंच पर इस तरह से पका लीजिए। तो इसके कलर भी देखिएगा, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, कलर चेंज हो चुका है। तो इस फिश करी को देख के आपको लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है क्या, मुझे कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। और लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो फिश करी है हमने कैसे इसको सर्व किया। तो अभी थोड़ा सा बस गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे और साथ में और एक बार मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। तो 3 बार मैंने धनिया पत्ता जो है इसमें ऐड किया है। मेरा कुकिंग का प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, मुझे सेटिस्फेक्शन एक बार में कई बार नहीं मिलता है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, फिश करी जो है हमारा तैयार हो चुका है। आज की रेसिपी और जो ब्लॉग है, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। और अभी मैं देखिए बनाना पत्ता के साथ इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इसको देख के तो ज़रूर से ज़रूर मुंह में पानी आ रहा होगा। किस किस को मुंह में पानी आया मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और वो कमेंट पढ़ के मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और नए नए तरीके से काम करने का मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स। तो अभी मैं चलती हूँ इसको खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको भी पहले खिला देती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो कर लीजिए। देखिए कितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो आपकी एक सब्सक्राइबर, एक वीडियो के लाइक और एक शेयर से हमें भी आगे काम करने का मोटिवेशन मिलती है। तो बहुत अच्छी फ्रेंड बनी है, मैं तो चली इसको एंजॉय करने के लिए। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा।